नमस्कार, स्टोरी ऑफ रेसिपी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तिल के लड्डू, जिन्हें बनाने के लिए बहुत ही कम चीजों की आवश्यकता होती है, जिसकी सामग्री है 200 ग्राम तिल, 100 ग्राम मूंगफली के दाने, 200 ग्राम गुड़, 1 चम्मच घी, थोड़ा सा पानी। तो आइए अब हम तिल के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम तिल भूनेंगे। पैन गरम हो चुका है, अब इसमें तिल डालकर भून लेंगे। तिल को हम धीमी आंच पर चलाते हुए भूनेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। तिल हल्का हल्का फूलने लगा है और हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। तिल को ज्यादा देर नहीं भूनेंगे, नहीं जल जाएगी और कड़वापन आएगा। तिल को धीमी आंच पर चलाते हुए भूनेंगे। अब तिल भूनकर तैयार है, इससे महक भी आने लगी है और फिर फूल कर लाल हो गए। अब गैस बंद कर देंगे। अब तिल को एक प्लेट में निकालें। अब इसी तरह से मूंगफली को भी हम भून लेंगे। धीमी आंच पर चलाते रहेंगे। मूंगफली को इसी तरह धीमी आंच पर चलाते हुए करारा होने तक भून लेंगे। मूंगफली धीरे धीरे लाल होने लगी है। अब मूंगफली भून चुकी है, अब हम गैस बंद कर देंगे। इसे भूनने में भी 4 से 5 मिनट लग गए हैं, इसे हमने धीमी आंच पर भूना है। अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अब हम पूरी की चाशनी बनाएंगे। पैन में गुड़ डालेंगे। इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे। जब तक चाशनी बनकर तैयार होती है, तब तक हम मूंगफली से छिलके निकाल लेंगे। छिलके निकाल लें, इसको हम हाथ से रगड़ रगड़ कर छिलके निकाल लें। ये देखिए, हमने मूंगफली से छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इनके दानों को अलग करेंगे। आधा आधा, जैसे पूरे समोचे हैं, इसको हम आधा आधा कर लेंगे। इस तरह से, इसी तरह से हम सारे दानों को अलग कर लेंगे। चाशनी में भी उबाल आ रही है। अब इसको हम इसी तरह चलाते रहेंगे, चाशनी को तार बनने तक पकाना है। ये देखिए, चाशनी से तार बनने लगा है। अब हम चाशनी को चेक करते हैं। कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें थोड़ी सी चाशनी टपका देंगे।
चाशनी पानी में मिली नहीं है, गोल होकर बाहर आ गई है। अब चाशनी बनकर तैयार है। हमने गैस बंद कर दिया है। अब इसमें तिली डालेंगे, मूंगफली भी डाल देंगे, सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसे हल्का ठंडा होने देंगे, इसके बाद लड्डू बनाएंगे। अब हल्का सा ठंडा हो गया है, अब हम इसका लड्डू बनाना शुरू करते हैं। हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और लड्डू बनाना शुरू करते हैं इस तरह से। देखिए हमने दो लड्डू बना लिए हैं, इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे लड्डू बन रहे हैं, हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं। ये सर्दियों के मौसम में खाए जाते हैं, इसे विशेष रूप से मकर संक्रांति पर बनाया जाता है। अगर आपको हमारे तिल के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।